नमस्ते बच्चों, पिछले वीडियो में भोजन के घटक में हमने देखा था कि संतुलित आहार में हमारे भोजन में क्या क्या होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और जल। तो ये जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और प्रोटीन में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो कई एमिनो एसिड मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं और हवा में 78% नाइट्रोजन होता है। कितना प्रतिशत होता है? 78% नाइट्रोजन होता है। इतना नाइट्रोजन होने के बावजूद भी पेड़ पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन के रूप में उसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो कुछ फलीदार पौधे जो है, जैसे कि आप चना देख सकते हैं या मूंगफली, इस तरह से मान लो ये चना का पौधा है, तो इसके जड़ों में जो गांठें होती हैं, उन गांठों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। राइजोबियम, ये जो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया है वो क्या करता है, हवा से नाइट्रोजन को लेकर के नाइट्रेट में बदल देता है। किसमें बदलता है? नाइट्रेट में बदल देता है। और नाइट्रेट के रूप में पौधे उसको ग्रहण करते हैं। इसके विपरीत कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि नाइट्रेट और अमोनिया को सीधे नाइट्रोजन में तोड़ देते हैं और वायुमंडल में भेज देते हैं। तो इस तरह एक चक्र कंप्लीट हो जाता है जिसे हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं और इसे हम वीडियो के माध्यम में देखेंगे। एंजाइम इत्यादि के संश्लेषण से मिलने वाला नाइट्रोजन सभी जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। अगर नाइट्रोजन न हो तो क्या होगा? जड़ों और पौधों का विकास रुक जाएगा, पुरानी पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी, फसल की पैदावार कम हो जाएगी, मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों का जीवन खतरे में आ जाएगा। वायुमंडल में इसकी सघनता 78% है। नाइट्रोजन का वायुमंडल के प्राकृतिक या अजैविक अवयव से मिट्टी जैसे जैविक अवयव में जाना और वापस वायुमंडल में जाने की चक्रीय प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्र या नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। नाइट्रोजन चक्र के विभिन्न चरण होते हैं। पहला, नाइट्रोजन स्थितिकरण या फिक्सेशन। दूसरा, नाइट्रोजन स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। तीसरा, अमोनीकरण या अमोनिफिकेशन। चौथा, नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन। पांचवा, विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन। पेड़ पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए ये इस्तेमाल करने लायक रूप जैसे कि अमोनिया में परिवर्तित होता है। पहला, नाइट्रोजन स्थितिकरण या फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन स्थितिकरण का पहला चरण है। जीवों के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तित होना नाइट्रोजन स्थितिकरण या फिक्सेशन कहलाता है। ये प्रक्रिया फलीदार पौधों द्वारा की जाती है, जैसे मूंगफली। कुछ बैक्टीरिया भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थितिकरण कर सकते हैं। ऐसे कुछ बैक्टीरिया के उदाहरण हैं अजैटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम, राइजोबियम, नॉस्टॉक और एनाबीना। दूसरा, नाइट्रोजन स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। नाइट्रेट और अमोनिया को जैविक नाइट्रोजन में सोखने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। जब जानवर पेड़ पौधे खाते हैं तब ये जैविक नाइट्रोजन उनके शरीर में चली जाती है। तीसरा, अमोनीकरण या अमोनिफिकेशन।
जानवरों के मरने के बाद जैविक नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को अमोनीकरण कहते हैं। ये प्रक्रिया खनिजीकरण या मिनरलाइजेशन के नाम से भी जानी जाती है। ये प्रक्रिया कुछ सैप्रोफाइट जैसे कि कवक और बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। ज्वालामुखी विस्फोट और जानवरों के उत्सर्जन पदार्थों से भी अमोनिया बनता है। चौथा, नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन में जो बैक्टीरिया शामिल होता है उसे नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। अमोनिया पहले नाइट्राइट में परिवर्तित होता है। उदाहरण, नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोकोकस। नाइट्राइट्स फिर नाइट्रेट्स में परिवर्तित होता है। उदाहरण, नाइट्रोबैक्टर। पांचवा, विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन। वायुमंडल में नाइट्रोजन के संतुलन को बनाए रखने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड द्वारा नाइट्रेट आणविक नाइट्रोजन में परिवर्तित होते हैं, जिसे विनाइट्रीकरण या फिर डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। जो बैक्टीरिया विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन में शामिल होते हैं उन्हें डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। उदाहरण, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, स्यूडोमोनस विनाइट्रीकरण और माइक्रोकोकस विनाइट्रीकरण। नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने से होने वाली समस्याएं, अम्ल वर्षा या एसिड रेन का होना, मिट्टी और तालाबों का अम्लीकरण, ज्यादा पेड़ पौधे मरना। नाइट्रोजन चक्र, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि कैसे कैसे ये पूरा चक्र चलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन कितना परसेंट है वायु में, 78% यानी 78% नाइट्रोजन हवा में उपस्थित है। इसके बावजूद पेड़ पौधे उसको सीधे नहीं ले सकते हैं, तो फलीदार पौधे की जड़ों में हमने क्या देखा कि राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है। इस तरह से फलीदार पौधे की जड़ में गांठें होती हैं और उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया, जिसको कि हम क्या कहते हैं, राइजोबियम। क्या बोलते हैं? राइजोबियम। तो ये जो राइजोबियम है वह नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देता है। किसको? ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को। और नाइट्रोजन यौगिक के रूप में वह मिट्टी में उपस्थित रहता है और मिट्टी से पेड़ पौधे उसको सोख लेते हैं और पेड़ पौधे उसको सोखते हैं और उसे फलों के रूप में या जड़ में संग्रहित कर देते हैं। और जब उसी पौधे को जंतु खा जाते हैं तो नाइट्रोजन ट्रांसफर कहाँ हो जाता है? जंतुओं के शरीर में। और जब जीव जंतु और पेड़ पौधे मर जाते हैं तो उनका शरीर अपक्षयित हो जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। इसके अलावा उत्सर्जन के द्वारा जब पेशाब करते हैं जीव जंतु तब भी वह क्या होता है, मिट्टी में चला जाता है। तो इस तरह से पुनः मिट्टी से शुरू होकर के कहाँ चला गया, मिट्टी में ही समाप्त हो गया, यानी एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब दूसरे तरह से हम देखते हैं कि ये जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं, तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या किया, उसको नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में मिट्टी में पहुंचाया। और मिट्टी में जो पहुंचाया नाइट्रोजन का यौगिक, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि उस यौगिक को पुनः तोड़ देते हैं किसमें, नाइट्रोजन के रूप में, और जिसको कि हम क्या कहते हैं, डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या वी नाइट्रीकरण बैक्टीरिया, वी नाइट्रीकरण या डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यानी जीवाणु। तो ये जो डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है यानी वी नाइट्रीकरण जीवाणु जो है वह क्या करता है, नाइट्रोजन के यौगिक को पुनः नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देता है उसकी गैसीय अवस्था में, और कहाँ पहुंच जाता है, वायुमंडल में पहुंच जाता है।
और हम देखते हैं कि कभी कभी बिजली चमकता है, बिजली चमकता है तो बहुत सारे पुटके और फुफड़ी उग आते हैं, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो जब कड़ित यानी बिजली की कड़क होती है उस समय भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन नाइट्रेट यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो नाइट्रोजन चक्र है हमेशा चलते रहता है। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। आज के लिए इतने ही, चर्चा करेंगे। धन्यवाद।